इस वीडियो में मैं आपको इंस्टा स्क्वायर ऐप के बारे में बताऊंगा जो कि बहुत ही बढ़िया फोटो एडिटर है। तो इसके फीचर्स जानने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करना ना भूलिएगा, जिससे मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर आप इंस्टा स्क्वायर ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए, लिंक का यूज कर भी आप डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं इंस्टा स्क्वायर ऐप को ओपन कर लेता हूँ। तो दोस्तों यह है इंस्टा स्क्वायर का होम स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं बहुत सारे फीचर्स हैं। स्वाइप लेफ्ट कीजिएगा तो और भी फीचर्स जो है इसके आपको दिखाई देंगे। तो एक एक कर जो भी इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं इस ऐप के मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एडिट फीचर को समझाता हूं, तो इस पर मैं टैप कर देता हूं। तो यहां पर देखिए, आप गैलरी से पिक सेलेक्ट कर सकते हैं या कैमरा से पिक लेकर उसे एडिट कर सकते हैं। तो मैं आपको समझाने के लिए गैलरी पे टैप कर देता हूं। यहां देखिए, आपसे परमिशन मांगेगा तो अलाउ पे टैप कर दीजिए। तो दोस्तों देखिए, आपको समझाने के लिए मैं कोई भी एक पिक सेलेक्ट कर लेता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो पिक मैंने सेलेक्ट किया उसका प्रीव्यू दिखाने लगा है। बॉटम पे देख सकते हैं मेन्यू है जिसमें बहुत सारे ऑप्शन है। तो देखिए, सबसे पहला ओरिजिनल है, इस पर मैं टैप करके दिखाता हूं। जैसे इस पर आप टैप करेंगे तो देखिए दोस्तों, जैसे मैंने ओरिजिनल पे टैप किया, जो हमारी पिक का ओरिजिनल साइज है उस साइज में हमें पिक का प्रीव्यू दिखा रहा है। और देखिए बॉटम पे ओरिजिनल देखिए इंस्टाग्राम पे कन्वर्ट हो गया। तो देखिए, जैसे ही मैं वापस टैप करूंगा तो इंस्टाग्राम के हिसाब से इमेज का प्रीव्यू दिखाने लगेगा। इसके बाद देखिए दोस्तों, मेन्यू में दूसरा ऑप्शन है स्केच का, मैं इस पर टैप कर देता हूं। यहां देखिए बहुत सारे फिल्टर्स हैं, तो मैं आपको कोई भी एक फिल्टर समझाने के लिए अप्लाई करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, फिल्टर अप्लाई हो गया। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से आप दूसरे फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों स्केच फीचर। इसके बाद देखिए टूल्स है, तो मैं टूल्स पे टैप कर देता हूँ। यहाँ देखिए, टूल्स का यूज कर आप अपने इमेज को रोटेट कर सकते हैं, फ्लिप कर सकते हैं, ये देख सकते हैं फ्लिप इस तरह से कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए, टूल्स के बाद जो है स्टिकर का ऑप्शन है मेन्यू में, इस पे मैं टैप कर देता हूँ। स्टिकर में दोस्तों देखिए, आप स्टिकर अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज में, जितने चाहे उतने स्टिकर्स अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए, अलग अलग टाइप के स्टिकर्स भी हैं। तो यहाँ पर अप्लाई करने के लिए चेक मार्क है, इस पे टैप कर दीजिए, तो जो भी स्टिकर आपने ऐड किया वो इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह देखिए, स्टिकर को होल्ड कर जहां चाहे वहां मूव कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, स्टिकर के बाद अगला ऑप्शन है मेन्यू में मैजिक का, तो मैं इस पर टैप कर देता हूं आपको समझाने के लिए। तो देखिए, मैजिक में भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जिस तरह का आप फिल्टर अप्लाई करना चाहते हैं उस पर टैप करके सेलेक्ट कर लीजिए। मैं आपको समझाने के लिए कोई भी एक फिल्टर अप्लाई करके दिखाता हूं। तो देखिए दोस्तों, जो फिल्टर मैंने सेलेक्ट किया था वो अप्लाई हो चुका है इमेज पे। इस तरह आप अलग अलग फिल्टर्स अपने इमेज पर अप्लाई कर अपने इमेज को बहुत ही शानदार बना सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, जो अगला ऑप्शन है मेन्यू में वो है बैकग्राउंड का, इस पे मैं टैप कर देता हूँ। यहाँ देखिए, आप यहाँ से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बैकग्राउंड के कलर ऐड कर सकते हैं, जो भी चाहिए आपको उस तरह के कलर ऐड कर सकते हैं। इसके बाद देखिए दोस्तों, बैकग्राउंड के बाद जो फीचर है वो मेन्यू में है क्रॉप का, इस पे टैप कर दीजिए। आप अपनी इमेज को देखिए टूल का यूज कर क्रॉप कर सकते हैं, और जितनी भी इमेज क्रॉप करनी है टॉप पर देखिए टिक मार्क है, इस पे टैप कर दीजिए, तो उतनी इमेज क्रॉप हो जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, क्रॉप के बाद ब्लर का ऑप्शन है, ब्लर पे टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए स्लाइडर है, इसको ब्लर करने के लिए देखिए इसको ड्रैग करते जाइए तो इमेज ब्लर होती जाएगी। और देखिए दोस्तों, ब्लर के बाद है टेक्सचर का ऑप्शन, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर देखिए, टेक्सचर में भी बहुत सारे फिल्टर्स हैं, जो भी टेक्सचर आप अप्लाई करना चाहते हैं उस फिल्टर पे टैप कर दीजिए, तो वो टेक्सचर आपकी इमेज पे अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दोस्तों, टेक्सचर के बाद एफएक्स है, इस पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर जो भी फिल्टर आप अप्लाई करना चाहते हैं एफएक्स पे, उस पर टैप कर दीजिए तो वो फिल्टर अप्लाई हो जाएगा। तो देख सकते हैं वो फिल्टर इमेज पर अप्लाई हो चुका है दोस्तों। उसके बाद देखिए, मेन्यू में टेक्स्ट का ऑप्शन है, उस पर टैप कर दीजिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, मैंने टेक्स्ट एंटर कर दिया है हेलो और वर्ल्ड। यहाँ पर देखिए फॉन्ट स्टाइल है, इस पे टैप कर दीजिए। यहाँ से आप जो भी स्टाइल सेलेक्ट कर रहे हैं आप देख सकते हैं दोस्तों, वो स्टाइल फॉन्ट पे अप्लाई होता जा रहा है। यहाँ से देखिए कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी कलर आपको चाहिए। उसके बाद देखिए, बैकग्राउंड कलर भी चाहे तो आप इस तरह सेलेक्ट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए यहाँ टिक मार्क है, इस पे टैप कर दीजिए तो वो फॉन्ट आपका अप्लाई हो जाएगा। और इसको होल्ड कर जहां चाहे वहां पोजीशन कर सकते हैं ड्रैग कर। उसके बाद देखिए दोस्तों, फिल्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेम है, लाइट है, टेक्सचर है, जो भी फिल्टर चाहे आप फिल्टर का यूज कर अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज पे। अब देखिए दोस्तों, इमेज को सेव करने के लिए टॉप सेंटर में देखिए सेव का आइकन है, इस पर टैप कर दीजिए तो जो आपकी इमेज है सेव हो जाएगी। और आपको देखिए डाउनलोड मिरर इमेज का भी ऑप्शन दे रहा है, कह रहा है डाउनलोड मिरर इमेज फ्री, तो आप मिरर इमेज को भी यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बैक ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये था एडिट का फीचर। उसके बाद देखिए अगला फीचर है कोलाज का। तो देखिए दोस्तों, कोलाज फीचर पे मैं टैप कर देता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ देखिए फिर से मैं वही फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर कह रहा है कि मैक्सिमम आप 15 फोटो सेलेक्ट कर सकते हैं, तो मैं ये दो फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ देखिए नेक्स्ट पे टैप कर देता हूँ। यहाँ पर देखिए बॉटम में मेन्यू है, जिसमें बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, जिसमें से बहुत सारे ऑप्शन मैंने आपको पहले ही समझा दिया है। तो देखिए लेआउट पे टैप कर दीजिए। यहाँ देखिए किस टाइप का आपको कोलाज बनाना है, यहाँ टैप करते जाइए, मैं आपको प्रीव्यू दिखाते जाता हूँ दोस्तों। तो कितने शानदार आप यहाँ पर फ्रेम देख सकते हैं।
यहाँ पर लेआउट का यूज करके बहुत शानदार फ्रेम अपने फोटो पर अप्लाई कर सकते हैं। और इसी तरह आप देखिए मेन्यू में स्टिकर है, बैकग्राउंड है, स्पेस है, स्पेस का यूज कर दो इमेजेस के बीच कितनी स्पेस रखनी यहाँ से वो कर सकते हैं, रेशियो है, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, फ्रेम ऐड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मैं आपको वापस होम स्क्रीन पे ले चलता हूँ ऐप के। तो देखिए दोस्तों इंस्टा स्क्वायर ऐप पे अगला इंपॉर्टेंट फीचर है स्पाइरल का। आप टॉप पे देख सकते हैं जो इमेज है उस पे देखिए पिंक कलर का एक स्पाइरल देख सकते हैं। तो इस टाइप की इमेज बनाने के लिए आप यहाँ स्पाइरल फीचर का यूज कर सकते हैं। तो मैं स्पाइरल पे टैप कर देता हूँ, यहाँ फिर से मैं गैलरी में चला जाता हूँ, यहाँ मैं इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं बॉटम में देखिए कितने अलग अलग टाइप के स्पाइरल्स हैं। जो भी स्पाइरल आप अप्लाई करना चाहते हैं उस स्पाइरल पे टैप कर दीजिए। मैं एक स्पाइरल पे टैप कर आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों स्पाइरल अप्लाई हो गया इमेज पे। इस तरह आप एक से एक शानदार स्पाइरल आप अपने इमेज पे ऐड कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों स्पाइरल के बाद और भी फीचर्स हैं यहाँ पर, जैसे विंग्स हैं। तो देखिए आप यहाँ पर विंग्स अप्लाई कर सकते हैं अपने इमेज पे। यहाँ मैं आपको एक विंग अप्लाई करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों। तो इस तरह देखिए आप विंग अप्लाई कर सकते हैं, शेप है यहाँ पे। उसके बाद देखिए लव, फ्रेम, बैकग्राउंड, बहुत सारे और ऑप्शंस हैं इसमें, और उसके अंदर बहुत सारे फिल्टर्स हैं। उसके बाद देखिए बैकग्राउंड, यहाँ से आप देखिए अलग अलग बैकग्राउंड अप्लाई करना चाहते हैं अपने इमेज पे। तो ये देख सकते हैं दोस्तों कितने शानदार शानदार बैकग्राउंड है इस ऐप में। और इनका यूज कर देखिए आप अपनी इमेज को बहुत ही शानदार अपने इमेज को बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों आपको स्पाइरल फिल्टर्स अप्लाई करने के लिए टॉप पे अप्लाई बटन है, इस पे टैप कर दीजिएगा। आपने जो इमेज में जो भी स्पाइरल अप्लाई किए हैं, जो भी फिल्टर अप्लाई किए हैं, वो अप्लाई हो जाएंगे। तो चलिए अब मैं आपको वापस बैक ले चलता हूँ होम स्क्रीन पे। तो देखिए दोस्तों मैं स्वाइप लेफ्ट कर देता हूँ, और जो अगला इंपॉर्टेंट फीचर है वो मिरर का, इस पे टैप कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों फिर से गैलरी ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मैं कोई एक इमेज सेलेक्ट कर लेता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पर देखिए बाय डिफॉल्ट जो मिरर है M1 पर है। इसके बाद देखिए बॉटम पर बहुत सारे अलग अलग फ्रेम्स हैं, जैसे यहाँ M2 में सेलेक्ट कर देता हूँ, M3। देखिए आप फिल्टर्स देख सकते हैं, यहाँ देख सकते हैं कितने सारे फिल्टर्स हैं। तो देखिए दोस्तों इस तरह आप इंस्टा स्क्वायर ऐप का यूज कर बहुत शानदार से शानदार मिरर इमेज क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आओगा कैसे इंस्टा स्क्वायर ऐप को चलाना है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।